विंटर्स में खाने का मजा है, पहनने का मजा है, लेकिन जब आती है उलझनों की बात तो हम हो जाते हैं परेशान। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही मेरे छोटे छोटे जुगाड़ लेकर आई हूँ जो मैं विंटर्स में करती हूँ। विंटर्स में हमारे सामने जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए मैं क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। विंटर्स में सर्दी से बचने के लिए हम अपने घर को कवर करके रखते हैं, अपने विंडोज डोर को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रेश हवा घर में नहीं आ पाती और एक अजीब सी स्मेल घर में आने लगती है। इसी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए मैं बनाती हूँ ऑरेंज एरोमा कैंडल। ऑरेंज की कटिंग करके मैं एक बाउल शेप निकाल लेती हूँ और इस बाउल शेप में एक में मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और दूसरी बाउल में मैंने डाला है वैक्स, जिसे मैंने मेल्ट करके डाल दिया। वैक्स को हमेशा डबल बाउलर में गर्म किया जाता है। उसके बाद मैंने कॉटन से बनाई बाती। बाती बनाने के लिए कॉटन को दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा लेकर फोल्ड करेंगे, फिर दोनों को जोड़कर एक फोल्ड और देंगे तो बन जाएगी हमारी बाती। इस बाती को मैंने बाउल के अंदर सेट कर दिया। एक बाती को मैं वैक्स वाले बाउल में सेट कर दूंगी। इसके बाद इन बाती को मैं जलाऊंगी तो बन जाएगी हमारी ऑरेंज एरोमा कैंडल, जो देगी एक भीनी भीनी खुशबू। इस कैंडल को मैंने ऑयल, घी और वैक्स तीनों चीज़ों से ट्राई करके देखा तो मुझे सबसे बेस्ट कैंडल ऑयल वाली लगी। ये ऑरेंज एरोमा कैंडल रूम फ्रेशनर का काम करती है। विंटर्स में हमें अपने बेड पर ब्लैंकेट रखनी पड़ती है, क्योंकि बार बार अलमीरा से ब्लैंकेट निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से बेड पर रखी हुई ये ब्लैंकेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यदि कोई गेस्ट आ जाए तो और भी बुरा लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये ब्लैंकेट बेड पर रहे लेकिन हमें दिखाई ना दे, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं ब्लैंकेट को फोल्ड कर लूंगी। इस ब्लैंकेट को मैं ऐसे फोल्ड करूंगी कि मुझे एक कुशन की शेप मिल सके। इसे समेटने के बाद मैं ले लूंगी एक कुशन कवर और इस ब्लैंकेट को मैं इस कुशन कवर के अंदर डाल दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा एक बहुत ही अच्छा कुशन और देखने से किसी को भी नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर ब्लैंकेट है। जब हमें ब्लैंकेट चाहिए इसके अंदर से निकाल लेंगे और जब नहीं चाहिए तो वापस इसके अंदर रख देंगे और हमारा बेड भी स्टाइलिश लगेगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिंगल ब्लैंकेट थी जो कुशन कवर में आ गई, यदि डबल ब्लैंकेट हो तो क्या करें। तो इसके लिए भी मैं एक जुगाड़ करती हूँ। तो ये है मेरी डबल ब्लैंकेट। सबसे पहले इस ब्लैंकेट के मैं चार फोल्ड करूँगी। इसके बाद ब्लैंकेट के चारों फोल्ड को पकड़कर इस प्रकार से घुमाते हुए इस ब्लैंकेट को एक राउंड शेप दे दूँगी। तो इस तरह से बन गया ये हमारा एक मस्टर्ड। एक लूंगी मैं मस्टर्ड कवर और इस ब्लैंकेट को इस कवर के अंदर डाल दूंगी।
और इस मस्टर्ड को हम बेड पर अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कुशन कवर और मस्टर्ड के साथ आप बेड को स्टाइलिश बना सकते हैं। और तीसरा मेरा जो जुगाड़ है वो जर्सियों और कार्डिगन को लेकर है। अक्सर इनकी चैन खराब हो जाती है या अटक जाती है, तो ऐसे समय में हम क्या करें? तो अब देखिए इसके लिए मैं क्या जुगाड़ करती हूँ। इसके लिए मैं ले लूँगी वैसलीन। फिंगर की हेल्प से इस वैसलीन को चैन के ऊपर लगा दूँगी। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चैन के ऊपर वैसलीन को लगा दूँगी। और अब आप चैन को देखिए। अगला जो मेरा जुगाड़ है वो दही को लेकर है। विंटर्स में गाढ़ा दही हम कैसे जमाएं? तो इसके लिए मैं क्या जुगाड़ करती हूँ, एक ले लेती हूँ गरम शोल और दही के बर्तन को इस शोल के अंदर रखूँगी। इस बर्तन को इस शोल से चारों तरफ से मैं लपेट दूँगी। इसके बाद इसे मैं रखूँगी माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में रखने से पहले माइक्रोवेव को 30 सेकेंड के लिए चलाकर गर्म कर दूँगी। माइक्रोवेव को कभी भी खाली नहीं चलाएं। इसके लिए मैंने इसमें पानी रखा है। 30 सेकंड चलाने के बाद पानी को बाहर निकाल दूंगी और इस बर्तन को माइक्रोवेव में रख दूंगी। और आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटों में ही गाढ़ा दही हमारा रेडी हो जाएगा। 4 से 5 घंटे के बाद इसे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगला जो मेरा विंटर स्पेशल जुगाड़ है वो है गर्म कपड़ों को लेकर। हम कितना भी महंगे से महंगा कपड़ा ले उस पर रोए आ जाते हैं, तो उसका हम क्या करें? इसके लिए मेरे पास है ये लिंट रिमूवर, लेकिन सबके पास ये नहीं होता, तो उस टाइम हम क्या करें? तो इसके लिए मैंने लिया है एक रेजर और हल्के हल्के रेजर को इस कपड़े के ऊपर घुमाएंगे। इसे हमने बहुत ही हल्के हाथों से कपड़े के ऊपर चलाना है। हम देखेंगे कि कुछ ही देर में सारे रोए निकल जाएंगे। तो कैसे लगे मेरे ये विंटर स्पेशल जुगाड़? यदि ये जुगाड़ आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी इन्हें अपना सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।